brought to you by iTel, Sensotin K and Higher. ये पॉल्यूशन से बहुत दिक्कत हो रही है और दो दिन से तो कोहरा पड़ गया है ना, और ज्यादा दिक्कत हो रही है। खांसी होता है, बुखार लगता है, बहुत तबीयत खराब रहता है। बिना मास्क के निकलना तो बहुत मुश्किल है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और गले में स्क्रैच होती है, सर्दी नजला जुकाम लगता है। ये दिल्ली आइए, 15 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में पिछले 24 घंटों में प्रदूषण सीवियर कैटेगरी यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। सुबह 7 बजे AQI 409 पर था, लगभग 48 घंटों से लगातार AQI गंभीर और गंभीर प्लस कैटेगरी में है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा की गुणवत्ता का सूचकांक। इसको सबसे पहले अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी USEPA ने बनाया था, जिसका इस्तेमाल अब दुनिया के बहुत सारे देश करते हैं। ये AQI हवा में मौजूद प्रदूषण की वजह से बदलता है, जितना ज़्यादा AQI उतना ज़्यादा प्रदूषण। इसी AQI के बढ़ने घटने पर तमाम सरकारें प्रदूषण की पॉलिसीज बनाती हैं उसको रोकने की। इसकी रेंज शुरू होती है 0 से और तमाम रेंज में हवा को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। AQI 0 से 100 तक संतोषजनक माना जाता है, लेकिन 200 के ऊपर हवा को पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। 400 के ऊपर का मतलब है सीवियर यानी गंभीर। SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन, व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली में ग्रैप या ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 3 को लागू करने का आदेश दिया है। दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के प्लान को 4 श्रेणियों में, 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, इसे ही ग्रैप कहते हैं। पहले आदेश पर बात करते हैं, फिर ग्रैप क्या है वो भी समझेंगे। आदेश 15 नवंबर की सुबह 8 बजे से लागू हो गया, इसमें क्या क्या है वो भी जान लेते हैं। प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, क्लासेस ऑनलाइन मोड में चलाई जाएंगी। एयर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने NCR यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाली बसों के दिल्ली आने पर रोक लगा दी है। CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ BS4 डीजल बसों को इससे छूट दी गई है। दिल्ली NCR में निर्माण, खनन और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन नहीं चलेंगे। मशीन से सड़कों की सफाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और हैवी ट्रैफिक वाले रूट पर पीक आवर से पहले पानी का छिड़काव करने जैसे उपाय किए जाएंगे। अब बात ग्रैप की करते हैं। जब जब AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है तो ग्रैप 3 लागू किया जाता है। ग्रैप 1 में क्या होता है? जब AQI 201 से 300 के बीच में हो और हवा पुअर स्थिति में हो, इस फेज में होटल और रेस्टोरेंट में तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है। दिल्ली के आसपास के 300 किलोमीटर के इलाके में किसी भी प्लांट या फैक्ट्री से प्रदूषण हो रहा हो तो उस पर कार्रवाई की जाती है। ग्रैप 2 में क्या होता है? जब AQI 301 से 400 के बीच हो यानी वेरी पुअर स्थिति में हो, इस फेज में फेज 1 की चीज़ों को लागू करने के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पार्किंग की फीस बढ़ा दी जाती है, साथ ही CNG बसों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो की संख्या बढ़ा दी जाती है। इन कदमों से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य होते हैं या हो सकते हैं। ग्रैप 3 में क्या होता है? जब AQI 401 से 450 के बीच यानी गंभीर स्थिति में हो तो फेज 1 और फेज 2 के कदमों के साथ साथ दिल्ली NCR में BS4 डीजल गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ज़रूरी सरकारी कामों को छोड़ करके बाकी कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन की गतिविधियों को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। एसेंशियल सर्विस को छोड़ दें तो माल उठाने वाली हल्की गाड़ियों को दिल्ली NCR के बाहर रोक दिया जाता है, जिनका रजिस्ट्रेशन NCR के बाहर का है। इसके बाद आता है ग्रैप 4। जब AQI 450 के ऊपर हो जाए तो फेज 1, 2 और 3 के सारे एक्शन तो लिए ही जाते हैं, इनके अलावा सारे कंस्ट्रक्शन के काम रोक दिए जाते हैं। जिलाधिकारियों और सरकारों को ये अधिकार मिल जाते हैं कि वो स्कूलों की छुट्टियां घोषित करें, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने के लिए भी कंपनियों से बात करें। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पार होने के बाद 14 अक्टूबर को दिल्ली NCR में ग्रैप 1 लागू कर दिया गया था और अब ग्रैप 3 सीधे लागू हो गया है। 15 नवंबर की सुबह 8 बजे से दिल्ली मेट्रो में भी ग्रैप 3 का प्रभाव दिख रहा है। इसके तहत अब 20 एक्स्ट्रा ट्रिप्स शुरू हो चुकी हैं। ग्रैप 2 के चलते 40 एक्स्ट्रा ट्रिप्स पहले से ही चल रही थी, मतलब ग्रैप 3 लागू रहने तक दिल्ली मेट्रो में रोजाना 60 एक्स्ट्रा ट्रिप्स दी जाएंगी। दिल्ली में प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मुख्य तौर पर इस समय जो प्रदूषण का स्तर है उसमें गाड़ियों का पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, इसलिए दिल्ली के अंदर जो भी BS3 पेट्रोल और BS4
फोर जो डीजल की गाड़ियां हैं, फोर व्हीलर हैं, उन पर जो है रोक लगा दी गई है। उसी तरह से दिल्ली के अंदर जो मीडियम साइज की जो गाड़ियां हैं उनको अब जो अंदर से हैं या बाहर रजिस्टर्ड हैं उनको भी यहाँ पे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। उसके जो है साथ साथ जो बाहर से जो BS3 और BS4 डीजल की जो बसें आती हैं उन पर जो है पूरी तरह से जो है वो रोक लगा दिया गया है। केवल जो CNG इलेक्ट्रिक या BS6 की बसें हैं उनको जो है वो दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 84 टीमें बनाई गई हैं। वहीं मानकों का पालन करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने भी रूल्स तोड़ने वाले लोगों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं। सीनियर अफसरों के आदेश के अनुसार हम पोल्यूशन चेक कर रहे हैं और जिसका पोल्यूशन नहीं है उसका चालान कर रहे हैं। PUC सर्टिफिकेट देख रहे हैं तभी हम कर रहे हैं और हमारे सिस्टम में मशीन में बता देती है कि इसका PUC है या नहीं है, वही कर रहे हैं। जितना सीनियर अफसरों का आदेश है वही काम कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण झेल रहे लोगों ने भी अपनी राय मीडिया में रखी है। दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो रहा है और मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, मॉर्निंग में तो निकलना ही मुश्किल हो गया है। पहले मैं जनरली बहुत जल्दी निकलता था लेकिन अब मैंने लेट निकलना चालू किया है। सूरज भी नहीं निकल रहा है, देखिए इतना फॉग हो गया, बिना मास्क के निकलना तो बहुत मुश्किल है। पॉल्यूशन से बहुत परेशानी है, ये चलाने से, रिक्शा चलाने से आँखों में दर्द होता है, पानी चलता है, ये पॉल्यूशन से बहुत दिक्कत हो रही है। और दो दिन से तो कोहरा पड़ गया है ना, और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। खांसी होता है, बुखार लगता है, बहुत तबीयत खराब रहता है, मजबूरी में चला रहे हैं रिक्शा। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और गले में स्क्रैच होती है, सर्दी नज़ला जुकाम लगता है। ये दिल्ली के प्रदूषण पर एनवायरमेंट एक्सपर्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स के वर्जन्स भी आए हैं, सुनिए उन्होंने क्या बताया। उम्मीद लगा रहे हैं CAQM अभी उम्मीद लगा रहा है कि शायद स्थिति ठीक हो जाए, लेकिन अगर हम पैटर्न्स को देखें, पिछले 15-17 दिनों के पैटर्न्स को देखें तो सिचुएशन सिर्फ बद से बदतर हो रही है। अभी जो है जो विंड का डायरेक्शन जो चेंज हुआ है जिसके कारण और ज़्यादा फार्म फायर्स के जो स्मोक हैं वो दिल्ली के अंदर आ रहे हैं और दिल्ली के जो अपने पोल्यूटेंट्स हैं वो भी जो है वो ट्रैप्ड हो रहा है। तो एक ज्योग्राफिकल मीटरोलॉजिकल डिसएडवांटेज तो दिल्ली के पास है ही, साथ ही साथ एक गवर्नेंस का भी डिसएडवांटेज है कि हम साल भर जो है इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है, सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर के दौरान थोड़ी बहुत चर्चा होती है, लेकिन ठोस कदम जो है एक निर्णायक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो प्रदूषण का होना चाहिए ना वो केंद्र सरकार ना दिल्ली सरकार और या फिर आसपास के राज्य सरकारें जो है वो एक समन्वित रूप से कोलैबोरेटिव रूप से कोई कदम नहीं उठा पा रहे। लेकिन हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान भी अछूता नहीं है प्रदूषण से। लाहौर की हालत खराब है, यहाँ का AQI 1900 के पार हो गया है और पिछले 24 घंटों में लगभग 15,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की खबरें हैं क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आशंका है कि मरीजों का आंकड़ा 15,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। प्रदूषण देखते हुए वहाँ की सरकार ने 3 महीनों तक शादियों पर भी रोक लगा दी है।